अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मिलवाते हैं द बिगेस्ट टिकटॉकर सनी किंग से एंड सजाद वैन से, और आज हम इनका लेंगे प्रॉपर इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आखिर तक देखिएगा, मज़ा आएगा। और इनसे जानेंगे इनके काम के बारे में, इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, हर चीज़ के बारे में इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। आप आखिर तक दीजिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले कुछ सवाल जो आप करेंगे वो सनी किंग से एंड देन फिर सजाद वैन से। और सनी किंग, सबसे पहले सो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी एज भी इतनी छोटी है और इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना फेम दिया है कि पूरे पाकिस्तान में, मतलब के छोटे से छोटे गांव में भी 3 से 4 जो है ना आपके फॉलोवर होंगे। जब भी आप निकलते हैं लोग कैमरा लेके आ जाते हैं आपकी वीडियो शूट्स करने के लिए, तो इस तरक्की का राज कुछ हमें भी बताएं और जो देख रहे हैं उन साथियों को भी पता लगे, ताकि जो है ना हर बंदा चाहता है फेम के लिए। तो आपसे जानेंगे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस भाई की भाइयों की मोहब्बत है, हमें सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं यार आप वायरल हो रहे हो, ये वो, पहले मुझे सब मना करते थे, भाई क्या कर रहे हो, ये शोशापन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इज़्ज़त करता है, घर में भी मतलब के इज़्ज़त है, घर वाले भी पहले सारे मना करते थे, भाई क्या बना रहे हो, वीडियो में लगे हुए सब ये वो, तो अब सब अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त से बुलाते हैं। जी सनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनी भाई, आप जो टिकटॉकर पे इतना वायरल हो रहे हैं और तमाम पाकिस्तान में, इवन के तमाम दुनिया भी में आपको लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको फेम मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वायरल हुए हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी का ये सफ़र चला? वायरल ऐसे हुआ यार, सजाद भैया बनाते थे वीडियो, मुझे भी शौक लग गया, मैं भी वीडियो बनाऊंगा। इनकी सजाद भैया के शॉप पे गया था मैंने इनको बोला भाई मेरी भी वीडियो बनाओ, तो इन्होंने वीडियो बनाई, तो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई, मतलब कि एक दिन में 3-4 मिलियन व्यूज़ आए थे, तो ऐसे मैं वायरल हो गया। 3-4 मिलियन व्यूज़ ऑफिशियल कर रहा था, वो वाली वीडियो बनाई थी। तो पहली वीडियो पे जब आप ऑफिशियल कर रहे थे आपको 3-4 मिलियन व्यू मिले, जिसकी वजह से आपको इतना फेम मिला और फिर दोस्तों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया। अभी ये सिलसिला चल रहा है टिकटॉक का, एक छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा भी है, लेकिन इससे आगे आपका क्या लाहे अमल होगा कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे, किसी अगर ड्रामा सीरीज़ में या किसी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको मौका मिले तो? नहीं यार अभी मतलब कि शौक़ नहीं है किसी फिल्म या किसी ड्रामा में काम करने का, ना बिल्कुल शौक नहीं है ये मेरा। अच्छा सनी भाई, मैंने सुना था कि आपको जो है एक ड्रामे से ऑफ़र भी हुई थी। हाँ, ड्रामे से बुलबुल वाला ड्रामा, उससे मुझसे ऑफ़र हुई थी, लेकिन भाइयों ने कहा था भाई सनी बताओ आपका क्या रहा है, मैंने कहा देख लो भाई जो आपने सोचना करो। बुलबुले ड्रामा, आप जानते हैं कि बुलबुले ड्रामा जो ना सबसे फेवरेट मेरा ड्रामा है, जो उसमें सबसे जो अच्छी मुझे एक्टिंग लगती है वो मोमो की लगती है। तो आपको तो इतनी अच्छी ऑफ़र मिली थी, फिर आपने जो ना उस ऑफ़र को टुकरा दिया, इसकी क्या वजह है? बस वैसे यार मैं खुद के दम पे खड़ा होना चाहता था, भाई और मुझे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर मुझे सपोर्ट करते हैं सब भाई, तो इनकी मोहब्बतों का कमाल, शुक्रिया। अच्छा सनी भाई, एक छोटा सा पैगाम जो है ना छोटे यूज़र्स के लिए, कि जैसे आप तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और हर छोटा यूज़र्स, इवन के मैं भी हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना बहुत जल्दी वायरल हो जाऊँ, इसमें कुछ ऐसी कोई ट्रिक है या क्या सिर्फ मोहब्बत ही है या साथ में कोई ट्रिक वगैरह भी लगाते हैं? भाइयों की मोहब्बत है यार, इतना सपोर्ट करते हैं हमें, बस ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे बस। अच्छा, इसके अंदर ही सुनने में आता है कि कॉन्स्टेंटली ना जो एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, एक टाइम चूज़ करना पड़ता है दिन में, उसके अंदर ही वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, फिर वीडियो वायरल जाती है, क्या सच है या बिल्कुल? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि जिस वक्त वीडियो अपलोड कर दो, मेरा जिस वक्त मन करता है मैं उसी वक्त वीडियो अपलोड कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा सनी भाई, आपसे लास्ट सवाल, फिर उसके बाद सजाद भाई से चंद एक सवाल करेंगे, उसमें ये कि जो है ना अभी तो आप बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं और आपका कहना है कि अभी किसी आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करना नहीं चाहते, बल्कि क्योंकि अभी आपको किसी अर्निंग वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी जो है ना आप फेम चाहते हैं और दोस्तों की सपोर्ट चाहते हैं, तो दोस्त कैसे आपको खुल के सपोर्ट करें? आपको कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक अकाउंट भी है जिसके ऊपर दोस्त आपको सपोर्ट? एक फेसबुक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक भी है। टिकटॉक पे तो माशाल्लाह वैसे भाई और सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी है, सपोर्ट करो यार सब भाई, यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो, बायो में मेरे लिंक लगो। सनी भाई, यूट्यूब पे तो आपको दोस्त सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही सर्च करते हैं यूट्यूब पे आपके नेम से बहुत से अकाउंट निकलते हैं और जो है ना वो आपके नेम भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपका रियल अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट है किंग ऑफ 7 मेरा, एक ही अकाउंट है यूट्यूब पे और कोई भी नहीं है, बहुत सारे फेसबुक पे फेक अकाउंट है, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट है मेरे।
दोस्तों सनी से मिलके जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सनी ने अपना इजहार राय जो दिया है और उसने अपना वायरल होने का भी बताया कि कैसे हुए हैं। अब सजाद भाई से कुछ बातें करेंगे दिलचस्पी वाली, और सुनिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सजाद भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं, माशाल्लाह आप लोगों की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है और आप जो है ना अब कुछ इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं फेसबुक अकाउंट पर, तो एक तो दोस्तों को ये बता दें कि आपका फेसबुक पर रियल अकाउंट कौन सा है, और फिर आप नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं फेसबुक अकाउंट के ऊपर। फेसबुक अकाउंट हमारा रियल है सनी किंग 07। इस नेम पे बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उस पे हमारे 1.5 लाख फॉलोअर हैं अभी माशाल्लाह। उस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छी वीडियो आ रही है हमारी और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो सब भाई हमें उधर सपोर्ट करें और वीडियो को भी देखा करें। सजाद भाई बहुत से दोस्तों के, क्योंकि मैं आपका अकाउंट तो अक्सर विज़िट करता हूँ इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, बहुत से दोस्तों के नीचे कमेंट्स आए होते हैं कि आप उनकी सिटी में नहीं आते, उनकी सिटी विज़िट नहीं करते, तो आपका कोई आगे चल के कोई ऐसा है कि आप किसी के शहर में जाएँगे और उनको बताएँगे कैसे है कि ताकि लोग जो है ना आपके जो फैंस हैं वो आपके साथ वीडियोज़ वगैरह भी बना सकें और इंजॉय कर सकें। जी जी इंशाल्लाह आगे, पहले तो हम अभी इधर अपनी शॉप पर होते हैं, जब भी कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर बता के जाएंगे लोगों के गांव में, जब कहीं जाना पड़ेगा तो वीडियो डाल के जाएंगे उधर। अच्छा सजाद भाई, अभी सनी भाई क्योंकि ये तो अभी इतने मेच्योर नहीं हुए, क्योंकि अभी इनकी एज भी बहुत छोटी है और अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र के अंदर जो है इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मेच्योर पर्सन है, सेंसिटिव है, मेच्योर पर्सन है। आप ये बताएं कि आप इस चीज़ को लेके, अभी तो आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके वही अगेन सवाल करूँगा कि अगर इंडस्ट्री में जाना पड़ जाए, किसी आपको ड्रामे की ऑफर हो जाए, तो आप किस किस्म के ड्रामे में काम करना चाहेंगे, पंजाबी में या सराइकी में? देखो हमारी ज़ुबान तो सराइकी है, अगर सराइकी में काम मिल गया तो अच्छी बात है, पंजाबी या उर्दू में मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काम करने। अच्छा अभी जो है ना, क्योंकि सराइकी तो माशाल्लाह हमारी मीठी ज़ुबान है और सराइकी लोग देखते भी हैं, फैज़ कुकड़बाज वगैरह ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, तो आप अपना भी कोई ड्रामा शुरू करना चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए? जी कुछ सोचा हुआ है कि बनाएँगे इंशाल्लाह अपना ड्रामा एक बनाएँगे और ज़रूर बताएँगे, टिकटॉक पर भी शूट कर रहे हैं हम अपना ड्रामा एक, बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि मैंने जो है ना आपकी थोड़ी थोड़ी वो झलकियां जो है ना जैसे ट्रेल कहते हैं वो मैंने देखे हैं, और आपके साथ माशाल्लाह दो लड़के और भी होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की है और आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो मेरी तो आपके लिए हिदायत भी यही है कि आप जो है ना कोई ड्रामा शुरू करें ताकि जो है ना आपके व्यूवर्स, आपके जो फ़ैन हैं वो थोड़ा इन्जॉय कर सकें। जी जी वो बहुत जल्द आएगा, वो आपने ट्रेलर देखे हैं, वो ट्रेलर तो हमने जारी कर दिया इंशाल्लाह, वो ड्रामे पर काम जारी है, बहुत जल्द आ जाएगा। अच्छा और बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अभी जो है ना हम इंटरव्यू जो है बिल्कुल फाइनल करने वाले हैं और इसके बाद मज़ीद आपको कभी कभी जो है ना अपडेट वगैरह देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और ये जो इंटरव्यू है ये प्रॉपर अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल बज़्म तौफीक पे, एंड टिकटॉक अकाउंट है तौफीक अहमद या बज़्म तौफीक, आप सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर आपको इंटरव्यू मिलेगा। और लास्ट में बस दोनों भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे टिकटॉक स्टार हैं, कि ये अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मोहब्बत का इजहार कैसे करना चाहेंगे? मोहब्बत का इजहार पहले भी हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बाद भी मोहब्बत की दिखाएंगे और हमारी वीडियोस को लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करेंगे, हमारी वीडियोस को शेयर भी करेंगे। अभी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यार, जो हमारे फ़ैन हैं, फॉलोइंग है, जो सब भाई जो नए भी हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, बस इनकी मोहब्बत की ज़रूरत है हमें और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इंटरव्यू हुआ फाइनल, और इसमें दोस्तों की तरफ से ये है कि आप इनको खूब सपोर्ट करें जैसा कि आप अब तक सपोर्ट करते आए हैं, और बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, और ये एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दिया, इतना फेम दिया है, और हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इससे बढ़कर इज़्ज़त और फेम दें और आप जो है ना बुलंदियों को छुएँ। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, अस्सलामु अलैकुम।